प्यार का संगम है पर शादी जरूरी नहीं है प्यार ज़रूरी है कि पहली पिक्चर के लिए शायद मुझे इतना पैसा नहीं मिलेगा डायरेक्ट करने के लिए अब विद्या बालन इज अ ग्रेट एक्टर यार शी इज़ अ ग्रेट पर्सन टू वर्क विद एंड आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स मेरी कोई खूंखार फोटो नहीं तो पोस्ट करी गई जहाँ मैं ऐसे बस हो रहा हूँ मेरा नाम शशांक अरोरा है और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड नाव पे हेलो हाय नमस्ते मैं हूं अंपिका सिंह स्वागत है आपका बॉलीवुड नाव में तो जैसे कि आपको तो पता ही है आजकल मेड इन हेवन टू जो सीजन आ गया है नया वाला उसका कितना क्रेज बना हुआ है तो आज हमारे साथ है शशांक करोरा हेलो शशांक वेलकम टू बॉलीवुड नाव यू ओके फर्स्टली तो कांग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग 10 इयर्स इन फिल्म इंडस्ट्री थैंक यू सो मच थैंक यू ओके सो अगर मैं इन 10 साल की बात करूंगी तो कैसा रहा सफर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी सफर बहुत खराब रहा और जो खूबसूरत सफर रहा है यार बचपन से मेरा मन था पिक्चरें बनाने का और मैं पिक्चरें बना रहा हूँ तो बहुत खुश हूँ ओके सो अगर मैं मेड इन हेवन सीजन टू की बात करूँ ये चार साल के बाद सेकेंड सीजन आ रहा है लोगों ने काफी वेट किया आपको देखने के लिए कबीर को काफी मिस किया लोगों ने तो क्या कहना है कबीर का क्या कहना है कबीर का आप प्लीज़ देखिएगा मेड इन हेवन अमेजोन प्राइम पे है आप होपली uh, देखेंगे आपको होपफुली पसंद आएगा हमने खून पसीना बहाया है इस शो के लिए चार साल कोविड के दौरान शूट किया है तो लोगों को पसंद आएगा। ओके okay. सो so, ये जो आपका कैरेक्टर है कबीर इससे आप कितना रिलेट करते हो बहुत रिलेट करता हूँ इसलिए मैंने ये काम लिया था यार अगर एक कैरेक्टर से रिलेट ना करो तो वो स्क्रिप्ट नहीं लेनी चाहिए और वो काम नहीं करना चाहिए तो आई रिलेटेड लॉट टू कबीर वेरी क्लोज टू माई हार्ट अलग भी है मुझसे बहुत uh, कबीर और मेरे में बहुत uh, 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 दूरियाँ भी हैं और uh, uh, बहुत चीज़ें जो पसंद भी हैं तो सबसे ज्यादा इसमें क्योंकि टोटल पार्ट्स जो सेवन आपके शो के सेवन एपिसोड से पूरे टोटल इसके तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट या सेकंड दोनों सीजन की मिला के तो अब तक आप किस पार्ट से ज्यादा कनेक्ट हुए हो किस पार्ट से ज्यादा कनेक्ट हुए, हुए हु? मैं शादी शादियों सारी शादियों से उतना कनेक्टेड हुए मैं सारे किरदारों से उतना कनेक्टेड हुआ हर हिस्से से उतना कनेक्टेड हूँ ऐसा नहीं है कि कुछ हिस्सा दूर है तो नहीं सब चीजों से प्यार है शो में मुझे जो बना रहे हैं शो जो कलाकार हैं जो एक्टर हैं आई एम रिलेटेड टू द सो इतनी शादियां हो रही है इतनी शादियां आप मतलब शादी से आप कितना मतलब आपके लिए शादी क्या है क्या है मेरे लिए शादी एक प्यार का संगम है पर शादी जरूरी नहीं है प्यार जरूरी है इस जिंदगी में कदर जरूरी है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट जरूरी है पर शादी इज जस्ट नेम वी गिव टू रिलेशनशिप

शायद प्यार जहाँ नहीं होता वहाँ शादियां नहीं चलती नो uh, no क्यों नहीं चल रही शादियाँ प्लीज आप बताइए मुझे क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे पास भी इसका जवाब नहीं था इसलिए मैंने सोचा इतनी शादियां करवाने के बाद आपको शाद... शायद लोग इस नाम से इस इस प्लाड से थक चुके हैं एक शादी का जो नाम है और इसके नीचे जो रिलेशनशिप है उसको ऑनर ना किया जाए तो शादी का क्या पॉइंट है अगर एक पति और वाइफ में अगर रिस्पेक्ट ना हो या एक दूसरे के लिए स्पेस ना दी जाए नो पॉइंट फॉर मैरिज तो शायद अब हम असली में देख रहे हैं कि शादी के पीछे क्या क्या जाता है शायद इसलिए शादियाँ अक्सर काम नहीं कर रही मुझे एक डायलॉग बहुत याद आता है इतने सुकड़े से हो क्या खाते हो जी <laughs> जी और थैंकफुली ये डायलॉग मुझे नहीं बोला गया था

तो अगर मेड इन हेवन की मैं बात करूँ तो आप लोगों का शूट का कोई ऐसा जो बोलते हैं ना ऑफ कैमरा कुछ ऐसी चीज़ें जो आप शेयर करना चाहो बहुत सारी चीज़ें हैं ऑफ़ कैमरा मैं क्या शेयर करूँ वो आप पहले शो देखेंगे और मैं आपको बताऊँगा ऑफ कैमरा तो कोविड के दौरान हमने शूट किया ये। uh, तो मुश्किल हालात थे uh, सब ने मास्क पहने हुए थे uh, 200 लोग सेट पे होते हैं कैमरे कैमरा यूनिट में 15 लोग होते हैं और मुश्किल काम होता है एंड सो सम मेड इन मेरा आर्ट टूट गया था Uh, हमने बहुत सारे गोलगप्पे खाए पुरानी दिल्ली में uh, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे पल हैं तीन साल हमने काम किया लगातार तो एक पल ऐसा नहीं हो सकता तो मैं चुन के कहूँ कि ये एक चीज़ थी मुझे अच्छी लगी बहुत सारी चीज़ें थी uh, इन कलाकारों के साथ काम करना बहुत खूब चीज़ है नीरज घेवान जोया अख्तर यमक अग्ती नित्या मेहरा अलंकृता श्रीवास्तव सो ईच ऑफ दीज एपिसोड्स हैड वंडरफुल मोमेंट्स वो चाई वो चाय चेरिश सो so, Shajang, आपने आ, विद्या बालन के साथ भी काम किया है सलमान खान के साथ काम किया है सो so, विद्या बालन के साथ जब नियत में आपको देखा गया था तो एक वो सरप्राइजिंग पैकेज की तरह आप उभर कर आए थे जिसने एक अलग ही जान डाल दी थी yeah. तो क्या बताना चाहेंगे आपके उस कैरेक्टर के बारे में बिकॉज देट वाज रियली फन थैंक यू फॉर सींगट आपको पसंद आया uh, विद्या इज अ ग्रेट एक्टर यार शी इज़ अ ग्रेट पर्सन टू वर्क विद एंड आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स आई गॉट टू वर्क विद और वो सेट पे uh, हम कहाँ लंडन में शूट कर रहे थे स्कॉटलैंड में शूट कर रहे थे और बहुत ही अच्छा माहौल था राम कपूर बहुत ही फन इंसान है उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और उस फिल्म में शायद मैं एक उस फिल्म का हिस्सा हूँ जो शायद एक लाइट हिस्सा है एक एक हिस्सा है जो हमें हंसाने के लिए बनाया गया है तो उस उसी तरह मैंने अप्रोच किया उस किरदार को तो अगर मैं जानना चाहूँ कि ऐसे सीनियर एक्टर्स के साथ काम करके वो एक्सपीरियंस या एक मेमोरी बोल सकते बनाता है इंसान तो आपने क्या सीखा है उनसे विद्या बालन हुए राम सर हुए तो विद्या से मैंने ये सीखा है कि कैसे तुम असलियत ला सकते हो बिना कुछ किए हुए जैसे इरफान सर लाते हैं जैसे नवाज लाता है जो अच्छे किरदार हैं जो अच्छे एक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करने को मिला है नसीरुद्दीन शाह दीज पीपल यू लर्न क्राफ्ट फ्राम पीपल विद गुड क्राफ्ट और इनमें जो एक्टिंग की काबिलियत है वो बहुत 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 हाई है बहुत ऊँची है तो ध्यान से इनको देखो गौर से देखो तो बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं अपने काम के बारे में

जब रेडियो आया था उसके बाद टेलीविजन आया था तो रेडियो की वैल्यू नहीं गिर गई थी उससे पहले नुक्कड़ नाटक थे जब नुक्कड़ नाटक थे उसके बाद जब सिनेमा आया था तो नुक्कड़ नाटक की वैल्यू नहीं गिरती तो आई डोंट थिंक मीडियम ऐसे काम करते हैं आई डोंट थिंक दिस इज़ हाउ सिनेमा वर्क्स आपके पास एक और जगह है uh, पिक्चरें देखने की अब वो ओ है तो आई थिंक इसकी वजह से बढ़ावा ही होता है सब कलाकारों के लिए हर प्लेटफॉर्म का हर चीज़ का uh, uh, ये हाथ में हाथ बढ़ती हैं चीज़ें साथ में कंपटीशन uh, नहीं होता है कि यहाँ सिनेमा और वहाँ ओटीटी Uh, जो सिनेमा पे चलता है अक्सर पे भी चलता है एंड वाइस वर्सा सो आई डोंट थिंक इट्स अ कंपटीशन आई थिंक एवरीथिंग ग्रोज टुगेदर और इट फॉल्स टुगेदर ओके सो एक्टिंग में तो ऑलरेडी आपने 10 से ग्यारह साल ऑलरेडी बिता चुके हो आप hmm. तो आगे क्या कुछ करने का प्लान है आपका लाइक डायरेक्ट करोगे कोई मूवी या फिर कोई मूवी प्रोड्यूस करने वाले हो आप प्रोड्यूस तो फिलहाल मैं नहीं करने वाला हूं डायरेक्ट शायद मैं करूँ इन फ्यू इयर्स होपफुली लेट्स सी और प्लान uh, फिलहाल है कि एक्टिंग में करता रहूंगा थोड़े वक्त के लिए अच्छा काम जब तक मिलता रहेगा मैं करता सो एज so, कि आप आगे चल के डायरेक्शन में जा सकते हो डेब्यू कर सकते हो hmm. तो क्या बताना चाहेंगे कौन होगा उसमें मतलब किसको एक ड्रीम भी होगा गेस फिर आपका कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर एक्ट्रेस को डायरेक्ट करना है मुझे अच्छे एक्टर्स को डायरेक्ट करना है आई फील वेरी पीपल आई वर्क विद आई नेम सो मेनी शो में uh, yes, विजय वर्मा अली फजल विक्रांत मासी चंदन रॉय सन्याल विनीत कुमार सिंह आदर्श गौरव इतने खूबसूरत कलाकार हैं यार अपने देश में अब आई लाइक टू डायरेक्ट अ मॉल और वो मुफ्त के लिए अगर मेरे लिए काम करेंगे पहली पिक्चर में तो ज़रूर मैं उनको लूँगा नवाजुद्दीन नसीरुद्दीन शाह सर दीज आर सम ऑफ द पीपल आई वुड लव टू वु रसिका दुग्गल एनी वेमन आउट राधिका आप्टे फंटास मोहना सिंह काफी लंबी लिस्ट आप देख सकते हैं शशांक की आई होप सो आपने एक बार और सुना होगा कि मुफ्त में काम करेंगे इंडिया में बहुत सी जगह घूमे होंगे आप शूट के दौरान हुँ. तो अब तक कौन सी जगह है जो आपको काफी पसंद आई जिसके साथ कुछ ना कुछ आप कनेक्ट भी हो गए हो और वो जगह बहुत पसंद आई हो आपको मुझे पूरे देश से प्यार है अपने कलकत्ता से लेके केरला से लेके कश्मीर से लेके राजस्थान से लेके बहुत खूबसूरत देश है हमारा यार yes. और हर कोने में शूट करके उतना अच्छा लगता है शिलोंग में शूट किया था पोखरान में शूट किया था मध्य प्रदेश में शूट किया था ऑल दीज प्लेस मज़ा कहाँ है मतलब एक मेमोरी बन जाती है ना इंसान की जैसे कि सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ hmm. आते वक्त आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हो कुछ इंसिडेंट हुआ आपको याद हो गया तो ऐसे शूट के वक्त कुछ ऐसा हुआ हो जो एक मेमोरी आपके दिमाग में बैठ गई हो एक बार इरफान खान साहब हैं उनके साथ मैं जैसलमेर में शूट कर रहा था uh, उनने दोपहर का वक्त था उन्होंने कहा था कि पतंग उड़ानी आती है मैंने कहा मैं मांझा पकड़ लूँगा अगर आप उड़ा लोगे तो उन्हें कहा एक काम कर तू बाइक चला uh, और uh, मैंने बाइक चलाई कुछ दस किलोमीटर पीछे बैठे थे वो और हमने uh, कहीं रेगिस्तान में रोकी बाइक और वहाँ पे पतंग उड़ाई गुलकंद का हलवा जो उनको बहुत पसंद था वो साथ में लाए थे तो हमने वो भी खाया एंड दिस वन माई मोस्ट चेरिश मेमोरीज हमंग यादव इरफान साहब की अगर मैं बात करूँ आपने काफ़ी काम किया उनके साथ तो एक ही बार काम किया <laughs> मतलब एक ही में काफ़ी कैरेक्टर आपने काफ़ी स्क्रीन पे काफ़ी टाइम बिताया आप लोगों ने अलग अलग लोकेशन पे शूट किया है तो उनकी क्या वो चीज़ थी जो आप याद करते हो जो मतलब आप आगे भी चल के वो फॉलो करना चाहोगे जिस असलियत से वो काम करते हैं जिस ठहराव से वो काम करते हैं जितना प्यार वो अपनी कला से करते हैं बहुत कम लोग हैं बहुत कम लोग हैं वैसे और वो नहीं रहे Uh, he's a person I looked up to, to to and and he brings so so much much reality to every one of his characters and so much empathy to his characters characters. empathy बहुत, बहुत कम एक्टर्स इस दुनिया में कर पाते हैं इस देश में तो दूर की बात है तो लास्ट सीरीज आपने कौन सी देखी थी जो आपको काफी पसंद आई हो बहुत सारी नाइनटी uh, शो uh, 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 बहुत सारी बहुत सारी शोज uh, हुई तो सलमान सर के साथ भी आपने काम किया है तो उनके साथ काम करने का आपका जो एक्सपीरियंस था वो जरूर जानना चाहूँगी मैं बिकॉज ऐसे लोग कहते हैं कि मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट है ये वो बट आपने काम किया साथ में तो आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते स्ट्रिक्ट तो पता नहीं वो बहुत बहुत प्यारे इंसान भी हैं सेट पर बहुत आसान था उनके साथ काम करना सलमान uh, खान है दिग्गज साढ़े छः सौ लोग उस, उस गति से काम कर रहे हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत कुछ देखने को मिला ओके okay. तो अभी तक जैसे कि आपने अभी कहा कि सिक्स सिक्स हंड्रेड की यूनिट थी या उससे ज़्यादा रही होगी तो आज तक आपने इतनी जो भी फिल्में किए हैं है, शोज किए हैं अब तक की सबसे हायर यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो वो किस फिल्म में थी कभी कभी मेड इन छः सौ लोग बनाते हैं साथ में शादी बनाना मुश्किल काम है शादी और एक्शन में बहुत रॉक ऑन आई थिंक बहुत बड़ा क्रू था भारत आई थिंक बहुत बड़ा क्रू था uh, अक्सर बहुत बड़े बड़े क्रू होते हैं सो so, अगर आप के शो की बात करूँ मैं तो बेसिकली ये शादियों पर ज़्यादा ये दिखाई गई है सो so, बॉलीवुड में इतनी शादियाँ हुई Uh, इतने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस के जो काफी बज में भी था hmm. तो uh, कौन सा वो एक्टर एक्ट्रेस था जिसकी शादी का अपडेट देखना आपको काफ़ी मजा आता था शादी के अपडेट मैं काश देखता पर मैं नहीं देखता हूँ पर मैं अली और अली फजल और इच्छा चड्डा की शादी पे था वो दोनों मेरे अ, करीबी दोस्त हैं आई आई विश द बेस्ट एम सो हैप्पी दे गॉट मैरिड एंड शायद मैं उसी को फॉलो करता था देखने के लिए कि मेरी कोई खूंखार फोटो तो नहीं पोस्ट करी गई <laughs> जहाँ मैं ऐसे बस हो रहा हूँ काउच पे पर नहीं आई एम नॉट वेरी बिग ऑन फॉलोइंग सेलिब्रिटी वेडिंग्स मे बी अगर मेरी किसी दिन शादी होगी तो मैं अपने आप की वेडिंग को स्टॉक करूँगा और सो uh, अगर so, मैं शशांक आपकी बात करूँ तो आप hmm. सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव होते हो बिकॉज मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए एक्टर से पूछा है तो hmm. कुछ लोगों ने ऐसे भी रिप्लाई uh, दिया है कि हाँ हम अपने अकाउंट से तो नहीं स्टॉक करते बड़ा हमारी एक फेक आईडी ज़रूर होती है जिससे हम स्टॉक करते तो क्या आपके अंदर भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है प्लीज मेरे को ये सब सिखाइए कैसे होता है नहीं मेरी फेक आईडी है नहीं पर मैं लोगों को अपनी आईडी से ही स्टॉक करता हूँ okay. मुझे करना होता है आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया माय मैनेजर टेल्स मी आई शुड बी मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया बट आई एम नॉट मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा काम सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं uh, रहना है। मेरा काम है एक्टिंग करना मेरा काम है असलियत दिखाना तो ढिंडोरा पीटना शायद मेरा काम नहीं है इसके बारे में पर मैं सीख रहा हूँ uh, मैं सीख रहा हूँ सोशल मीडिया क्या है

आप में इनसिक्योरिटी पल सकती है और आप पलने देते हो और आप सोचते हो कि वो मेरे से बेहतर है या मैं उससे ख़राब हूँ या मैं उससे बेहतर हूँ दैट कैन लीड टू मैनी इनसिक्योरिटीज़ एंड आई थिंक दैट लीड्स टू अस जजिंग आर सेल्प्स एंड तो सोशल मीडिया मनोरंजन के नाते पर ठीक चीज़ है पर अगर उसको तुम बहुत गौर से देखने लगो और उसमें अपनी uh, अपने दिल को मिला दो और फिर सोचो कि जो ये लाइक्स मिल रहे हैं uh, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है मेरी ज़िंदगी में तो नहीं लाइक like से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ज़िंदगी में और अक्सर मैं एक्टर्स आक, का भी कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया और एक्टिंग का भी ताल्लुक एक्चुअली कम ही है आ, 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 आप शायद सोशल मीडिया पर बहुत सक्सेसफुल हैं शायद पर आ, आपको शायद एक्टिंग में उतना सक्सेस ना मिले yes. और आप एक्टिंग बहुत सक्सेसफुल कर सकते हैं पर शायद आपको सोशल मीडिया पे उतना सक्सेस ना मिले और ये बिल्कुल भी मतलब कम लगाव है उन दोनों चीज़ों में कम कनेक्शन है तो आई पीपल सी दैट में और अगर सेम होता तो मैं कुछ नहीं सीखा होता मतलब दस साल में बहुत कुछ सीखा हूँ इसलिए दस साल पहले जो शशांक था जो मैं था शायद वो एक तरीके से नादान था पर शायद एक तरीके से Uh, ज़्यादा खुश रहता था अब शायद मैं इतना नादान नहीं रहा पर शायद इतना खुश नहीं रहता uh, तो रिलेशन uh, होते हैं बट आई आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम डूइंग व्हाट आई लव टू डू एंड जो जो 22 साल का शायद मैं था तो मैं इतनी परवाह नहीं रखता था कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में शायद वो परवाह धीरे धीरे ज़िंदगी के साथ बढ़ती रहती है और वो अच्छी चीज़ नहीं होती है क्योंकि क्या लोग सोचते हैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता इस लाइफ में क्या सोसाइटी सोचती है तुम्हारे बारे में बिल्कुल जरूरी नहीं तुम अपने बारे में क्या सोचते हो तुम अपने आप से कितना प्यार करते हो तुम अपने आप को कितनी कदर देते हो यही जरूरी होता है सो मेड इन हेवन से जुड़ने के बाद आपके करियर में कितना क्या कुछ चेंज क्या बदलाव है? आया बहुत कुछ बदलाव आया लोग सड़कों पर नहीं अब <laughs> ऐसा कुछ बदलाव किसी फिल्म प्रोजेक्ट से होता नहीं है ये बदलाव जिंदगी में होता है जब चीजें बदलती हैं तो ये बदलाव काम के रिलेटेड नहीं होते हैं काम से कभी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आता है वो बदलाव आता है तो आपके अंदर से आता है आपके आसपास से आता है जो लोग होते हैं तो आई डोंट लुक इट सिनेमा इन अ वे लाइक दैट आई डोंट लुक इट फिल्म अब कि मैं ये पिक्चर करूँगा तो इसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी ऐसा होता ही है कुछ ये ये झूठ होता है और अगर कोई बोले कि ये कुछ बदल गया एक पिक्चर की बात तो वो झूठ ही होता है एक्सेप्ट बदलाव तुम्हारे अंदर है और वो प्यार तुम्हें पिक्चर ना पिक्चर कुछ भी हो तुम्हें अपने आप को देना है एंड सो आई डोंट लुक एट एनी थिंग दैट बट आई फील बदलाव जो आता है वो सीख से आता है जो तो मैं तितली में सीखा या मेडियन हेवन में सीखा उससे बदलाव आया मैंने ओके okay. सो so, ये भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी क्या कभी कोई फिल्म आपके पास ऐसी आई जिसे आपने रिजेक्ट किया हो बट वो बाद में काफ़ी हिट हुई um, शायद एक निखिल अडवाणी की पिक्चर थी छः सात साल पहले जो बहुत सुपर हिट हो गई थी और मैंने ना था बट मे बी मे बी अ कपल बट नॉट टू मैनी रिग्रेट हुआ था आपको और नहीं शायद इसलिए मैंने वो काम नहीं लिया था उस वक्त में मुझे लगा मैं एक अच्छा हिस्सा नहीं बन पाऊंगा उस फिल्म का शायद कुछ नहीं दे पाऊंगा उस फिल्म को और तो शायद इसलिए मैंने नहीं लिया था नो no रिग्रेट्स मुझे रिग्रेट्स ये हैं इस बात की हैं कि आ, मैंने अपने आप को जब झूठ बोला है मेरे को उस चीज़ की रिग्रेट है मुझे रिग्रेट काम की नहीं होती है काम लिया नहीं लिया वो शायद उस वक्त नहीं लेना था शायद उस वक्त लेना था पर वो रिग्रेट नहीं होती रिग्रेट होती है तो रिश्तों की रिग्रेट होती है रिग्रेट होती है तो अपनी में जो कमियाँ हैं उसकी रिग्रेट होती है रिग्रेट होती है कि माँ पिता के साथ इतना वक्त ना बिता पाए सिनेमा की वजह से yes. उसकी रिग्रेट होती है सो आर द रिग्रेट्स वर्थ हैविंग इन दिस लाइफ कल नौकरी अच्छी हो बुरी हो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है एक दिन अच्छा होगा एक दिन बुरा होगा जो जरूरी है तुम्हारा परिवार तुम्हारे दोस्त लोगों से तुम प्यार करते हो सो लाइफ में बहुत से मिलते 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 हैं, हैं हैं, yeah. हमें भी मिलते rejections ऐसा नहीं है है, कि को को ही मिलते हर एक yeah. इंसान मिलता चाहे वो कोई टीचर हो स्टूडेंट हो या कोई भी हो etc, etc. Yeah. So, yeah. तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा rejection आपको हर्ट हुआ हो आप बहुत सारे यार, uh, I don't think ऐसा कोई इंसान इस कमरे में होगा जिसको yeah. में ना फेस करने जैसे आपने कहा गर्लफ्रेंड जिसने मुझे रिजेक्ट किया था शायद बहुत चीज़ें हैं यार आ, ऐसी लाइफ में आई मेरे को ऐसा एक इंसान ढूंढ के दिखाओ जो बोले कि यार मुझे किसी चीज़ का पछतावा नहीं है तो तुम कहाँ जी रहे थे तुम शायद पृथ्वी पे नहीं जी रहे थे क्योंकि यहाँ पे पछतावा भी होता है खुशी भी होती है तो इट्स अ मिक्सचर है यार मे बी सम वर्क आई वुड बिन डिस मे बी रिलेशनशिप्स मे बी मे बी इन फ्रेंडशिप्स बहुत बहुत रिजेक्शन होंगे और बहुत नॉन रिजेक्शन भी होंगे सीजन तो आपका काफ़ी पसंद किया जा रहा है लोग काफ़ी बस बना हुआ है लोगों के बीच में तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस को प्लीज़ मेरा काम देखते रहिए ताकि मुझे नौकरी मिलती रहे और होपफुली आपको पसंद आएगा क्योंकि हम खून पसीना बहा के ये काम करते हैं और प्लीज़ देखिएगा